हेलो एवरीवन, मैं हूँ धवल डॉगी स्क्वाड से। और आज की जो मेट्रिक आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ उसे बैंग होना या फिर प्ले डेड कहते हैं। इसका मतलब है कि मरने का नाटक करना। ये जब हम बोलते हैं तो डॉग एक पोजीशन लेता है डाउन होने के बाद मुंह ऐसा लेके, जैसे वो डेड पोजीशन बन जाती है। प्ले डेड इसका नाम है, फिर बैंग बैंग भी बोलते हैं इसको। तो आज हम वो सिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन होगी, प्लीज़ उसे दबाएं। और बगल में बेल आइकन होगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। शुरू करते हैं आज की नई वीडियो के साथ। हमेशा की तरह हम ट्रीट्स ले लेंगे। ट्रीट्स मैंने इस वीडियो में बॉइल्ड चिकन यूज़ किया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो आप भी कुछ भी बिस्किट ले सकते हैं, डॉग बिस्किट ही लें, चिकन ले सकते हैं, डॉग फूड ले सकते हैं, कुछ भी आप ट्रीट में दे सकते हैं। तो हम प्ले डेड के लिए, आपके डॉग को अगर डाउन पोजीशन पहले से आए, लेइंग डाउन वाली पोजीशन जो मैंने एक वीडियो में सिखाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जो है वो अगर आपके डॉग को आता हो तो प्ले डेड ज़्यादा आसान हो जाएगा सीखने। देखिए हम कैसे करेंगे। डॉग सेट की पोजीशन में उसको नीचे लेके जाएंगे डाउन के लिए। अब डॉग एक तरफ होगा, आप देखेंगे पाँव डॉग के इस तरफ हैं, तो मैं ट्रीट को इसी तरफ लेके जाऊंगा ऐसे, ये। और जब डॉग इस पोजीशन में आएगा, गुड गर्ल, ट्रीट दे देना। फिर से स्टार्टिंग से खड़ो। स्टार्टिंग से क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि डॉग को प्ले डेड, हाँ तो खड़े होकर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्ले डेड कमांड बोलेंगे तो आपका डॉग मान लीजिए डाउन में हो गया, प्ले डेड बोला, वो वहीं लेट गया और हो गया। फिर आपका डॉग डाउन पोजीशन में जब ना हो तो कभी ये वो लेगा ही नहीं कमांड, वो ही नहीं करेगा। इसलिए हम स्टैंडिंग पोजीशन से फिर से रिपीट करते सीखें। लिया खड़े, प्ले डेड, गुड गर्ल। जब इस पोजीशन में पूरा हो जाए आपका डॉग, तभी दिन देखिए, जब डॉग ऐसे बैठा है तो उसके पाँव इस साइड है, आपके डॉग के पाँव हो सकता है उस साइड जाए, या वो अगर वो सीधे बैठा है तो आपकी जो मर्जी हो आप उस साइड दे सकते हैं, पर जब आपके डॉग के एक साइड है तो उसी साइड ट्रीट लेके जाए। प्ले डेड, गुड गर्ल। प्ले डेड, गुड गर्ल। इसकी आपको काफ़ी रिपीटेशंस लगेंगी, दो तीन दिन भी लग सकते हैं सिखाने में, लेकिन उसके बाद डॉग इतना वो हो जाएगा। लिली, प्ले डेड, गुड गर्ल। उसके बाद डॉग इतना रिपीटेशन की हो जाएगा कि डॉग खड़ा रहेगा, आप उसे बोलोगे प्ले डेड और वो उसकी इस पोजीशन में आ जाएगा। अब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं प्ले डेड बोल रहा हूँ, आप बैंग यूज़ कर सकते हैं, बैंग बैंग बोल सकते हैं, बैंग बोल सकते हैं, या फिर एक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं ऐसे करके ऐसे। तो आपको फिर क्या करना रहेगा, ऐसे करेंगे उसके बाद कुछ बोल भी देंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर ये करवाएंगे तो डॉग ऐसे सीख जाएगा, कैसे भी सीख जाएगा, जैसे आपकी मर्जी होगी सिखाने। लिली, प्ले डेड, या गुड गर्ल। लिली, प्ले डेड, गुड गर्ल। अभी आपने देखा उसने उतना टाइम नहीं लिया, जल्दी से बैठ गई इसलिए क्योंकि उसको मालूम हो गया कि यही करना है। लिली, प्ले डेड, गुड गर्ल। अब और स्पीड बढ़ती जा रही। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रीट्स लेंगे ही नहीं। लिली जाओ, प्ले डेड, गुड गर्ल। लिली, प्ले डेड, गुड गर्ल। अभी आपने देखा पहले तक क्या होता था, डाउन डॉग पहले डाउन की पोजीशन में हुआ फिर ऐसे लेटता था, अभी वो डायरेक्ट ऐसे लेट गई। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, हम दो तीन ट्रीट्स दे दें जब ऐसा कुछ आपका डॉग करे। लिली, प्ले डेड, गुड गर्ल। अगर आपको ये गुड गर्ल और गुड बॉय वाली
मालूम नहीं है आपको ये क्या होता है, तो इसे मार्कर ट्रेनिंग बोलते हैं। ये मेरी सिट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ले रहा ले डैड, गुड गर्ल, ले रहा ले डैड, गुड गर्ल, गुड गर्ल, लिली रॉ, लिली लिली रॉ, ले डैड, गुड गर्ल, गुड गर्ल, ले रहा, ले डैड, गुड गर्ल, ले लिली, ले डैड, गुड गर्ल। अभी आपने देखा मेरे हाथ में ट्रीट नहीं थी, फिर भी उसने मेरे हाथ को फॉलो किया, क्योंकि मैंने अपने हाथ को स्पीड इतनी बढ़ा ली थी कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ में ट्रीट है या नहीं है। क्योंकि जब कुछ रिपीटेशंस हो जाए, 5-10 रिपीटेशंस कम से कम हो जाए, फिर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं उंगली को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर फॉलो ना करे कोई बात नहीं, आप फिर से खाने के साथ रिपीटेशन लिली करें, लिली प्ले डेड, गुड गर्ल, नो गुड गर्ल, डाउन पोजीशन में या किसी और पोजीशन में जब डॉग ने उसको ट्रीट ना दे, लिली चलो प्ले डेड, प्ले डेड, गुड गर्ल। थोड़ी कंफ्यूज हो गई, वो शेक हैंड करने लगी बीच में, एंड देन ट्रीट मत दे। और हाँ, एक और चीज़ है, आप लोग का कुछ किसी किसी का आया था मेरे पास क्वेश्चन कि डॉग को बहुत बार बोलते हैं तब जाके वो एक बार करता है। आप बहुत बार बोली मत, जैसे आप सिट बोल रहे हो डॉग ने नहीं किया, फिर से आप सिट बोलोगे सिट 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 तब जाके डॉग बैठ रहा है, ऐसा मत करो। डॉग को आप एक बार ट्रीट हाथ में लो, बोलो सिट, और अगर तब भी डॉग सिट ना हो तो वेट करो, पेशेंस से वेट करते रहिए जब तक वो ना करे, और उसे ट्रीट मत दो, तो वो थोड़ी देर बाद सिट हो ही जाएगा। वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, इसलिए आप बहुत बार मत बोलिए, एक ही बार बोलिए लिली प्ले डैड, गुड गर्ल, गुड गर्ल बोलते हुए फ्री पोजीशन में आ गई, लिली प्ले डैड, प्ले डैड, गुड गर्ल। तो इसकी आज तो पहले ही एक ही ट्रेनिंग सेशन हुआ, एक ही बार में आपका डॉग तो नहीं सीख सकता। जैसे सुबह से कहा शाम को आप करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ही आपका डॉग सीख जाएगा। हाँ, इन सारी ट्रिक्स पे ना बीट का बहुत वो होता है, आप किसी भी एज पे सिखा सकते हैं, पर बीट मैटर करती है। ऐसे जर्मन शेफर्ड है, तो जर्मन शेफर्ड काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, लैब्राडोर भी ठीक ठाक रहता है, रॉटवाइलर, डॉबरमैन, ये सब कर लेते हैं, लेकिन और भी जो सी ब्रीड्स हैं थोड़ी फैट रहती हैं, बुलडॉग हुआ, सेंट बर्नार्ड हुआ, ये लोग बहुत धीरे धीरे इनका ब्रेन काम करता है। तो इन लोग को आप ऐसा नहीं कि ये लोग ये ट्रिक सीख नहीं सकते, पर इन लोग के साथ बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, और बहुत पेशेंस से आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं कि कोई डॉग कर नहीं सकता है, पेशेंस से ज़्यादा रिपीटेशन करते रहिए, आपका डॉग सीख ही जाएगा। लिली ले डैड, लिली रॉ, ले डैड, गुड गर्ल। तो ऐसे आपका डॉग प्ले डैड सीखे, एक ही ट्रेनिंग सेशन में काफ़ी अच्छा वो उसका रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छा सीख गई। सो आपका डॉग भी ऐसे सीख। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।